हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिएगा, ये मेन फैब्रिक है और 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग रहेगा इस वीडियो में। ये बैक पार्ट है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, आप लोग देख के इसे बना सकते हैं आसान तरीके से। अब हमने क्या करना है, देखिए अस्तर के कपड़े को फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। एक लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे से, और इसके बाद हम टोटल लेंथ ले लेंगे यहाँ पर। तो फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ रखनी है हमें वो रखनी है 15 इंच, नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बाद में हमें 15 इंच यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 15 इंच। फ्रंट पार्ट में आपको यहाँ पर हाफ इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लेना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग 38 साइज़ में शोल्डर रखने होंगे हमें यहाँ पर 5.5 इंच, और आर्म होल ले लेना है 4.25 इंच। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है, तो 38 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.5 इंच, और ये सारी मार्किंग आपको देखिए हमने जो आगे की तरफ हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए करनी है। हाँ, और यहाँ पर हम आर्म होल की गहराई कर देंगे। गोलाई आपको इस तरीके से करना है, और नीचे से कमर का चौथा भाग लेना है। यहाँ पर कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। और इसके बाद देखिए साइड से हमें प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लेना है, तो नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे तो चलेगा, कम आपको मार्जिन नहीं लेना है, नहीं तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो फिटिंग में छोटा हो जाएगा। तो नीचे कमर की तरफ से 2.5 इंच और ऊपर की तरफ से 1 इंच आर्म होल तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच की गहराई यहाँ पर हम इस तरीके से दे देंगे। ये गहराई आप स्टिचिंग के समय पर कट कीजिएगा। गले के लिए माप लेना है, गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की, और गले की लंबाई ली है 6.5 इंच। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से बड़ा और घटा सकते हैं, जितना भी आपको रखना है। नीचे से भी गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ही ली है, और इस तरीके से राउंड शेप बना लेंगे। अब देखिए इसे हमने अच्छे से शेप दे दिया है गले का। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, 3.5 इंच, और ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेना है 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे 10.5 इंच पर, और टक्स पॉइंट वाली लाइन से हमें मार्क कर लेना है 4.25 इंच विड्थ में। इस लाइन को हम नीचे की तरफ इस तरीके से मिला देंगे, और इसके बाद इस लाइन को मिला देंगे आर्म होल की तरफ। यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे 2 इंच विड्थ में, और लेंथ में भी आपको 2 इंच ही लेना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है, और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। हाफ इंच जो हमने नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लिया था इसे ऊपर की तरफ मिला देना है इस तरीके से, और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हमने, इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। गले को भी हमने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। गला भी हमारा कटिंग हो गया है, बीच में से हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं, इसे मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। और इसके बाद अब हम ये जो टक्स के लिए हमने मार्किंग किया था प्रिंसेस कट का, उसे भी कट कर लेंगे। तो अच्छे से दोनों पार्ट को हम रखेंगे बराबर से, और देखिएगा इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये शेप मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना बताऊँगी कि स्लीव्स कैसे आपको माप लेकर कटिंग करनी है। तो ये बैक पार्ट लेना है आपको, पीछे का भाग लेना है, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए ये आर्म होल आप नाप लीजिए। तो जितने भी आर्म होल आपके आते हैं उसमें 1/2 इंच आप बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ पर स्लीव्स जितनी भी रखनी है आपको उतना आप कपड़ा यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और अच्छे से कपड़े को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ में रख रही हूँ 5 इंच की, 4 इंच मुझे तैयार रखनी है।
तो आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और जो आर्म होल हमने नापे थे 8 इंच, वो यहाँ पर लेते हुए 2.5 इंच पर इसे डाउन कर देना है आपको। इसे डाउन करेंगे हम 2.5 इंच पर। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। मार्जिन आपने अपने ब्लाउज में जितना रखा है उतना ही यहाँ पर भी लेना है। स्लीव्स का हाफ ले लेना है। स्लीव्स राउंड मेरा 13 इंच है, उसका हाफ लिया है 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो स्लीव्स की कटिंग देखिएगा, हमारी कटिंग हो गई है। अब इन दोनों पार्ट को भी हम अलग अलग कर लेंगे बीच में से, और खोल के इसे बराबर करके रखेंगे और 1/2 इंच की गहराई कट करेंगे। तो पहले देखिए हमें इन दोनों पार्ट को बराबर से रख लेना है इस तरीके से, और 1/2 इंच की गहराई कट कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर गहराई कट कर दी है। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, सारे पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब दोनों पार्ट को रखना है आमने सामने की तरफ और पिन लगा लेनी है। इसके बाद हम चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर अस्तर के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है साइड से, जितना भी कपड़ा निकल रहा है। मेन फैब्रिक को मैं हमेशा थोड़ा बढ़ा कर ही कट करती हूँ ताकि अस्तर को जोड़ते समय हमें परेशानी ना हो इसमें। और ये पार्ट हमारा अटैच हो गया है। इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एक पार्ट तैयार करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको आमने सामने की तरफ रखते हुए दोनों पार्ट को तैयार करना है। ये देखिए, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देनी है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम मैं यहाँ पर इसे अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे से ही आपको अटैच करना है, ऊपर से नहीं करना है। डबल सिलाई आप इस पर लगा लीजिएगा इस तरीके से। और ये पार्ट हमारा फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। इसके बाद देखिए मैं दूसरा पार्ट भी आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से करना है आपको, नीचे से ही करना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। दोनों पार्ट देखिए मेरे यहाँ पर अटैच हो गए हैं। डबल सिलाई आपको लगा लेनी है इस पर। दोनों पार्ट फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए हैं। अब मैं लगा रही हूँ हाई और हुक की पट्टी। तो देखिएगा, हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। इस तरफ लगाइए या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में कंफर्टेबल होता है वहाँ पर से आप इसे लगा सकते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, 3 इंच ली है। और लंबाई आपको ब्लाउज से थोड़ी बढ़ा कर लेनी है। यहाँ पर रखना है इसे इस तरीके से, और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच करना है, क्योंकि जितना हमने मार्जिन लिया हुआ होता है ब्लाउज में उतना हमें यहाँ पर कवर करना है। तो इस तरीके से देखिए फिनिशिंग के साथ आप हाई की पट्टी अटैच करें। और एक सिलाई हम कॉर्नर पर इस तरीके से लगा लेंगे। ऊपर नीचे का जो पार्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है वो आपको चाट लेना है इस तरीके से। अब मैं लगा रही हूँ हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी यहाँ पर मैंने ली है 3 इंच की चौड़ाई में। इसे डबल फोल्ड करके लिया है। आप 2.5 इंच की चौड़ाई में भी ले सकते हैं, या अगर कपड़ा नहीं होता है अस्तर का आपके पास तो आप सिंगल कपड़े पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हैं या इधर तुरपाई कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए इन्हें बराबर करके चेक करना है आपको, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है पट्टी की तरफ से। अब हम गले पर लगा रहे हैं उरेब पट्टी। तिरछी पट्टी कट करनी है आपको। एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगानी है, आगे की तरफ से फोल्ड कर देना है पट्टी पे। ये जो गला है यहाँ पर छोटे छोटे कट आपको लगा देने हैं। एक सिलाई हम एक पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम पट्टी को एक फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरफ करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा उसे हमने कट करना है। ये देखिए, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो हल्का सा आप यहाँ पर कट लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से पट्टी फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। ये देखिए गला बन के रेडी है। अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। तो नीचे से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच करना है।
और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, कमर पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स सिंपल हमें सिलाई लगाकर पलट लेनी है। तो एक सिलाई मैंने इस तरीके से लगा ली है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके यहाँ पर हम निकाल देंगे और बराबर करके इसे चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें यहाँ पर आप। और अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो इस तरीके से देखिए हमें बराबर करते हुए ऊपर से और आगे गले की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। एक एक सिलाई उतारते हुए लगा लेंगे गले की तरफ से इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखिए हमें, मैंने आर्म होल की गहराई कट नहीं की थी तो वो मैं इस तरीके से कर लूँगी। हाफ इंच का बताया था मैंने आपको कटिंग करते समय, उतनी ही गहराई आपको यहाँ पर कट करनी है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। फिटिंग लगाने से पहले और स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें, सेंटर से पिन लगा लें, साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है अगर आप चाहें तो पहले मेजरमेंट ले लें उसके बाद ही कट करें, क्योंकि ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर से नाप लें और स्लीव्स को इस तरीके से आपको हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए जॉइंट करना है। स्लीव्स को मैंने जॉइंट कर दिया है, दोनों तरफ की स्लीव्स को जोड़ दिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ब्लाउज की सीधी तरफ। तो ये सिलाई आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगानी है इस तरीके से सीधी सीधी। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है और इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर की। अब हम एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और इसके बाद देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर हमें 6.5 इंच नाप लेना है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ पर देखिए चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है आपको 9.5 इंच और कमर का 4th पार्ट ले लेना है 8 इंच। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। स्लीव्स राउंड का ले लिया है मैंने 6.5 इंच और इसमें फिटिंग लगा दी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।